मॉर्निंग, सुप्रभात, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संध्या डांस कवर में। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स आप सब अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे, तो मैं भी बढ़िया हूँ, मस्त हूँ। तो फ्रेंड्स आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कुछ ऐसे डांस स्टेप्स जो आप वेडिंग सॉन्ग्स में फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको आता है तो वेल एंड गुड है, और अगर आपको नहीं आता और आप बिगनर्स हैं, हाउसवाइफ्स हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट होगी। तो फ्रेंड्स इसको देखना ना भूले, और फ्रेंड्स जितने भी मैं आपको डांस के स्टेप कराती हूँ या आज तक मैं बताते हुए आई हूँ, तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी जल्दी आ जाएगा। और वैसे भी बिगनर्स हैं तो एकदम से आप सोचेंगे कि मैं एकदम से मुझे डांस के स्टेप आ जाएंगे, तो फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता, विदाउट प्रैक्टिस ये पॉसिबल नहीं है। तो फ्रेंड्स प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और जब मैं सिखाती हूँ तो आप मेरे साथ जरूर करिएगा। फ्रेंड्स मेरी कोशिश यही रहती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी समझ आए। तो फ्रेंड्स ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए आपको मैं कुछ डांस के स्टेप बताती हूँ। तो फ्रेंड ये है मेरा राइट साइड है, ये है लेफ्ट साइड, एज यूजुअल जैसे हमेशा होता है। फ्रेंड्स अब मैं आपको बताती हूँ अपना पहला स्टेप। तो पहले स्टेप के लिए हमें करना है, हमारी लेग की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। तो सबसे पहले हमें अपने राइट लेग को उठा के आगे रखना है और उसके बाद पीछे रखना है। तो फ्रेंड्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तो हमारी लेग पोजीशन। तो फ्रेंड्स जब हम इस स्टेप को कर रहे होंगे, जब हमारी लेग की पोजीशन आगे होगी तो हमारी कमर की पोजीशन ऐसे होगी फ्रेंड्स बाहर, जैसे हमारा राइट लेग पीछे की तरफ जाएगा तो हमारे कमर की पोजीशन इस तरह होगी। तो फ्रेंड्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तो थी मेरी लैग की पोजीशन। अब मैं आपको अपनी हैंड्स की पोजीशन बताती हूँ। तो हैंड्स की पोजीशन मेरी कुछ इस तरह होगी, 1, 2, 3। हम अपने राइट हैंड को जैसे नीचे करेंगे तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर होगा। फ्रेंड्स देखिए, 1, फिर 2, 3, 4, 5, फिर ऐसे करके 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको अपने लैग की पोजीशन और हैंड्स की पोजीशन को साथ में करके बताता हूं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स ये था मेरा पहला स्टेप, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना सेकंड स्टेप। तो सेकंड स्टेप के लिए हमारी जो लेग की पोजीशन होगी वो होगी कुछ इस तरह। हमें अपने राइट लेग को उठा के साइड में रखना है और उसके बाद 1, 2। तो फ्रेंड्स देखिए, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2। ऐसे हमें लेफ्ट साइड से करना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। होप आपको लेग की पोजीशन समझ आ गई होंगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ अपना हैंड वर्क। तो हैंड की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। तो जब हमें अपने साइड में, जब हम अपने राइट लेग को साइड में ले जाएंगे कुछ इस तरह, और दो बार डिप करेंगे तो हमारे हाथ भी दो बार 1, 2 होगा। जैसे हम अपने लेफ्ट लेग को उठा के साइड में रखेंगे और दो बार डिप करेंगे तो हमारा हैंड भी 1, 2 होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, अब मैं आपको अपने फुटवर्क और हैंड वर्क को साथ में करके बताती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं फिर से बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। जैसे हम अपना हाथ को ऐसे बाहर की तरफ करेंगे तो हमारे शोल्डर भी ऐसे हो जाएंगे, और जैसे ही अंदर की तरफ करेंगे तो शोल्डर ऐसे हो जाएंगे। 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8।
3, 4, 5, 6, 7. तो फ्रेंड्स एक बार और देखिए, तो आई होप आपको मेरा सेकंड स्टेप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब मैं आपको अपना थर्ड स्टेप बताती हूँ। तो थर्ड स्टेप के लिए हमारी लेग की पोजीशन कुछ इस तरह होगी, लेग को उठा के आगे रखना है और फिर पीछे, जैसे मैंने आपको फर्स्ट स्टेप पे बता रखा है सेम वैसे ही करना है। तो फ्रेंड्स एक बार देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे हम लेफ्ट साइड से करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो आई होप आपको लेग की पोजीशन अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो अब मैं आपको अपनी हैंड्स की पोजीशन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स जब हमारा राइट लेग बाहर रहेगा तो हमें एक बार करना है 1, और जैसे ही हमारा राइट लेग पीछे जाएगा तो हमें करना है 2, 3। ध्यान से देखिए, एक बार नीचे, दो बार ऊपर, एक बार नीचे, दो बार ऊपर, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो फ्रेंड्स आपको आई होप अच्छे से समझ आ गया होगा। तो एक बार मैं अपने हैंड वर्क को और फुट वर्क को साथ में करके बताती हूँ। तो मेरी कमर कैसे हो रही है फ्रेंड्स, जब मैं ऐसे कर रही हूँ तो कमर मेरी ऐसे हो रही है। फ्रेंड्स देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स देखिए, 1, 2, 3, 2, 3। तो फ्रेंड्स कैसे हो रहा है, ऐसे और ऐसे। जैसे हमारा इधर का हाथ होगा तो हमारी कमर ऐसे होगी, और जैसे इधर को होगा तो हमारी कमर ऐसे होगी। और शोल्डर्स को भी लाना है, हैंड्स को भी लाना है, और फेस पे स्माइल। एक बार और बताती हूँ, आप भी मेरे साथ ध्यान से करिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये था मेरा थर्ड स्टेप, आई होप आपको अच्छे से समझ आया। अब मैं आपको बताऊंगी अपना फोर्थ स्टेप। तो फोर्थ स्टेप करने के लिए आप रेडी हो जाइए। तो फोर्थ स्टेप के लिए मेरी लेग की पोजीशन होगी कुछ इस तरह। फ्रेंड्स लेग की पोजीशन सेम है फर्स्ट स्टेप और थर्ड स्टेप की तरह, आगे और फिर पीछे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एंड आप इस चीज का ध्यान रखें, मैं राइट लेग से करके बता रही हूँ, आप लेफ्ट लेग से भी कर सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो, जिस लेग से आप कंफर्टेबल हो डांस करने में आप उससे कर सकते हैं। लेट्स कम टू द पॉइंट। तो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बता रही थी स्टेप, तो आपको लेग की पोजीशन समझ आ गई होंगी। तो अब मैं आपको हैंड्स की पोजीशन बताती हूँ। तो फ्रेंड्स हमें करना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो फ्रेंड्स समझ में आया होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये तो है मेरी हैंड्स की पोजीशन। अब मैं आपको फुटवर्क और हैंडवर्क को साथ में करके बताती हूँ। तो फ्रेंड्स जब हम अपने राइट लेग को आगे कर रहे हैं तो हमारे हैंड्स की पोजीशन कुछ इस तरह होगी, और जैसे ही हम अपने राइट लेग को पीछे की तरफ करेंगे तो हमारी हैंड्स की पोजीशन खुल के कुछ इस तरह हो जाएगी। तो फ्रेंड्स हमें ऊपर से लेके नीचे की तरफ स्टार्ट कर, फ्रेंड्स आप भी रेडी हो जाइए और मेरे साथ कीजिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी स्टेप को हम लेफ्ट साइड से भी कर सकते हैं, तो आपको लेफ्ट साइड से करके बताती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। मैंने आपको बहुत सिंपली बता दिया। अब मैं आपको बताती हूँ शोल्डर की मूवमेंट क्या होगी। तो जब हम अपने हैंड्स को ऐसे करेंगे तो शोल्डर्स की मूवमेंट कुछ इस तरह होगी, और जैसे हम खोलेंगे तो फ्रेंड्स
और कमर की 1 2 3 4 5 6 7 फ्रेंड्स, अब मैं आपको अपना लास्ट एंड फाइनल स्टेप बताती हूँ। तो लास्ट एंड फाइनल स्टेप के लिए मेरी लैग की पोजीशन कुछ इस तरह होगी। तो फ्रेंड्स, हमें करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमें करनी है डिपिंग 1 2 3 4 5 6 7। जो मैं पांव उठा रही हूँ लिटिल बिट, थोड़े थोड़े उठा रही हूँ फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये तो है मेरी लैग की पोजीशन 3 4 5 6 7 8। तो इसी स्टेप को मैं खड़े होके नहीं करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। हमें साइड, हमें राइट साइड को जाना है, फिर राइट साइड से लेफ्ट जाना है, फिर लेफ्ट से राइट जाना है, ऐसे करना है। तो हैंड्स की पोजीशन क्या होंगी फ्रेंड, अपने हैंड्स को ऐसे रखना है 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले ही बताया था ये स्टेप, पर पहले एक जगह पे खड़े होके बताया था। अब क्या करना है, हमें राइट साइड को जाना है, राइट से लेफ्ट जाना है, लेफ्ट से राइट जाना है। अब मैं आपको अपना हैंडवर्क और फुटवर्क साथ में करके बताती हूँ। लास्ट एंड फाइनल स्टेप, आई होप आपको सारे डांस के स्टेप अच्छे से फ्रेंड्स, ये थे मेरे आज के डांस के कुछ स्टेप। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे, क्लियर हो गए होंगे सारे स्टेप। आप इन स्टेप्स को वेडिंग सॉन्ग्स में फिट कर सकते हैं, चाहे साड़ी हो, लहंगा हो, किसी भी सॉन्ग्स में और किसी भी ड्रेस में इनको फिट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले, नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फ्रेंड्स, बाय बाय, फिर मिलेंगे हम नए डांस ट्यूटोरियल में। ठीक।